हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट वन। इसके बाद दो तीन पार्ट और भी आएंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से मैं इसको कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। और देखिए, मैथ की वीडियो का टाइमिंग है 11 से 12 और रीजनिंग और करंट अफेयर का टाइमिंग है शाम के टाइम 6 से 8 और रात को 10 बजे होता है लाइव टेस्ट। किस टाइम? 10 बजे होता है, ठीक है, डेली। तो ये सभी आपके पास तभी पहुंचते हैं जब आपके ये बेल आइकन ऑन रहती है। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक दो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा और सारे क्वेश्चन वो उठाए मैंने जो पहले रेलवे में और पुलिस के एग्जाम में, यूपी पुलिस हो गया आपका, ठीक है, अलग अलग पुलिस के एग्जाम में और एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो सीरियसली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे वाले तो जरा थोड़ा सीरियसली देखिएगा, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 8961 में से घटाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है, तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ये संख्या है और इसमें से कौन सी छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि ये 84 से जब इसको भाग कर दो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 8961 को जब हम 84 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 84 आपका कितना बच जाएगा, 5, और ये 1 यहाँ पे आ गया। फिर हासिल लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे नीचे, सॉरी ये ले 6 आ जाएगा। तो फिर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 504 और ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर, बच जाएगा शेष, बच जाएगा 57। तो जो ये 57 बचा है, ये क्या बचा है, रिमाइंडर। अगर हम इसको 8961 में से माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अगर ये रिमाइंडर जो बचा है ये 8961 में होता ही नहीं, यानी कि इतना कम होता तो रिमाइंडर 0 बचता, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, अगर आपको पता है तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका कुछ इसी टाइप का है। पहले इसी टाइप के क्वेश्चन कवर करा देता हूँ, मैं दो तीन टाइप के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। उस न्यूनतम संख्या के बारे में बताइए जिसे 8961 में जोड़े जाने पर, वहाँ पे घटाने की बात की जाती है, यहाँ पे जोड़े जाने की बात की जा रही है, जोड़े जाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 8961 को यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे 84 से, तो हमें पता है रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 57। अब 57 के जो रिमाइंडर बचा है, इसमें पूछा कि न्यूनतम संख्या वो बताइए जो इसमें जोड़ने पर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब देखिए, 57 बचा है, अगर यहाँ पे 84 होता तो क्या होता, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो इसमें कितना जो और जोड़ा जाए कि 84 बन जाए, इसमें 27 और जोड़ दिया जाएगा तो 84 बन जाएगा। अब 84 को 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पे 27 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। वहाँ पे माइनस करने की बात की जा रही थी कि 8961 में से क्या माइनस किया जाए कि 84 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कम पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर 8961 में से हम 57 को माइनस कर देते ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो तब भी 84 से पूरा कम्प्लीट डिवाइड हो जाता। अब यहाँ पे पूछा क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 57 है, अगर यहाँ पे 84 हम कर दें इसको 84 कर दें तो पूरा कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 8961 में 27 को और प्लस कर दें, क्योंकि 84 होने में इसको 27 की कमी है, तो इसमें 27 और प्लस कर दें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, यहाँ पे इसके करने के कई मेथड है, पर मैं आपको सबसे आसान मेथड है और इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप एक बस को समझ लीजिए। यहाँ बोला गया है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, कोई संख्या है जिसको 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, वो संख्या अगर हमें पता चल जाए तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब उस संख्या को निकालने के लिए क्या करना है, जिस संख्या को भाग देने पर
29 शेष बचता है, तो 56 को और 29 को प्लस कर लो, ये 85 वो संख्या आ गई। ये कैसे आ गई अब मुझे ये बताइए, मैंने बोल दिया कि 85 ये संख्या आ गई। अब आपको चेक कर, अगर आपको चेक करना है कि 85 कैसे हो गई, 85 को 56 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 56 है, ठीक है, 56 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 को 56 से करेंगे तो 56 बन जा, एक बार जाएगा सिर्फ, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 29। तो 85 इस नंबर को जो जो बार बार ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक संख्या को 56 से डिवाइड करने पर 29 शेष बचता है, तो वो संख्या कौन सी है, 85। 85 को 56 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है शेष, 29। तो ये बहुत ईजी ईजी से क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, नंबर सिस्टम से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तो 2-3 पार्ट में मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, अगर आप सारे देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अभी इसी का एक और टाइप कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, 1056 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अरे ये दोबारा से फिर वो आ गया, चलो देख लेते हैं एक बार और इसको, ये दोबारा से बीच में ऐड हो गई एक स्लाइड और। तो यहाँ पे क्या है, ये भी बिल्कुल वही है, आपको 1056 को भाग करना है, ठीक है, तो इसको 23 से भाग करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे इसको 23 से भाग करेंगे तो 92 आ जाएगा, फिर ये कितना बच जाएगा, 13, फिर नीचे हम 6 को उतार लेंगे, 13 इसे 23 से फिर भाग करेंगे तो 115, तो कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच जाएगा 21 एंड में, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, ये 45 बार जाएगा और 21 शेष बच जाएगा, अगर इसमें दो और ऐड होता तो ये पूरा 23 होता और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम इसमें दो और जोड़ दिया जाता, तो यानी कि 1056 में दो और होता तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता 23 से। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, ये बीच में आ गया तो इसको देख लेते हैं। यह 13601 में से कम क्या घटाया कि शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ आपका यहाँ क्या होगा, इसको भी 87 से डिवाइड करके देखिए, आपका शेष जो बचेगा वो आपका बस वही आपको घटाना है, क्योंकि इसमें पूछा है कम से कम क्या घटाया जाए, तो कम से कम 13601 में से 29 घटा दिया जाए तो शेष आपका क्या बचेगा, एक हाँ सॉरी ये 29 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ आपको 87 से अब इसको पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 29 इसमें ये समझिए एक्स्ट्रा है, 13601 में 29 एक्स्ट्रा है, अगर ये 29 ना होता तो यहाँ पे 0 आता, 0 आने का मतलब क्या होता है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब वही टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी करा के आया था इन दो क्वेश्चन से पहले। तो क्या है देखिए, हमें अगर वो संख्या पता चल जाए तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, किसी जो एक संख्या है उसको भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो हमें मैंने आपको बताया था कैसे संख्या निकालनी है, 5 + 3 कर लेंगे तो वो संख्या 8 आ जाएगी। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप ये सोच के देखिए, किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये 3 शेष ना बचता तो वो संख्या क्या होती, 5 होती। अगर ये 3 शेष ना बचता कि 5 को 5 से भाग देते तो क्या बचता, शेष 0 बचता, तो वो संख्या होती 5। अब शेष बच रहा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस एक्स्ट्रा को प्लस कर देंगे इसमें 5 में, तो वो संख्या 8 बन जाएगी, ठीक है। और इसी टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस ये संख्या अगर आपको पता चल जाती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पूछा है कि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो इस संख्या का वर्ग स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब 64 को 5 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 64/5 तो कितना आ जाएगा, इस ये चला जाएगा 60 बार, ठीक है, 12 × 5 = 60, और कितना बचेगा, 4, तो कितना बच जाएगा शेष, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए लास्ट में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं वीडियो को उनको बहुत फायदा होने वाला है, जो शुरू में देख के छोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने क्या बताया था, नंबर कैसे निकालते हैं, 6 और 3 दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आपका जो आ गया ये नंबर आ गया है, ठीक है। अब इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 से पूरा एक बार जाएगा और बच जाएगा रिमाइंडर 1, तो ये शेष कितना बच जाएगा, 1। ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है और ये RRB 2007 या 8 में पूछा गया है आपका,
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और सारी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन को देख देख के चुन के लेके आ रहा हूँ आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर यार आप सपोर्ट बहुत कम करते हैं, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों को नहीं बताते हो कि मैं यहाँ पे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। कम से कम अपने 2-3 दोस्तों को तो जरूर बताया करें डेली, आप जब भी खेलते हो कहीं पे जाते हो कि यार यहाँ पे भी आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है और कम से कम टाइम में। आपने देखा होगा मैं 15-20 मिनट की वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें बहुत कुछ बता के चले जाता हूँ, 1 घंटे की क्लास नहीं लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम मिलना चाहिए कि आप घर पे भी पढ़ सके। चलिए फिर इसको बात को बंद करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या के आधे का 1/3 और फिर उसका 5वां हिस्सा 15वें के बराबर हो तो संख्या बताइए। देखिए एक बार और क्वेश्चन ऊपर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है, पर क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है अगर आप नहीं समझ पाए तो गलत हो सकता है। यदि किसी संख्या के आधे का, तो किसी संख्या हमने मान ली एक्स और इसका आधा कब होगा 1/2, आधे का तिहाई, फिर इन्होंने बोल दिया आधे का तिहाई, तो इसका मतलब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी 1/3 की, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करता जाइए। फिर उसका 5वां हिस्सा, 5वां हिस्से का मतलब 1/5 इसका फिर हो गया, तो 1/5 हिस्सा 15 के बराबर है, तो 15 के बराबर है भाई, हमने लिख लिया 15 के बराबर हो गया, ठीक है, हो तो संख्या बताइए। तो संख्या हमें बतानी है बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला है, हमने बिल्कुल वैसे क्वेश्चन लिख लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी बस ठाके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इस अगर 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बस एक्स बच जाएगा। अब 15 की 5, 3, 2, 1, 3, 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, तो एक्स की वैल्यू आपकी 450 आ गई, तो वो नंबर आपका आ गया है 450। बस ध्यान एक चीज़ का रखिएगा, इतने ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं नंबर सिस्टम से, बस इतना ध्यान रखिएगा जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना ही क्वेश्चन को उठाओ और कर दो, इजीली आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न का मान निकाले। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपको जो कैलकुलेशन लग रही है ये मैं खोल के लिखा है और आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है, तो इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है, अदरवाइज इसको यहीं पर मैं पूरे को यहीं पर काट पीट के पूरे को कर सकता था, बस आपको एक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखिए हमने मान लिया कि अंश क्या है आपका, अंश ये होता है, हर ये होता है, अंश आपका है x, ठीक है, और x को अगर हम 12% से बढ़ा देंगे तो कोई भी चीज़ 100% की वैल्यू होती है वो 12% से बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम 12% से बढ़ाएंगे, काट के देखो 12 बचेगा तो इसका मतलब 112% हो जाएगी जब किसी चीज़ को 12% से बढ़ाते हैं या फिर कितने भी परसेंट से बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% होती है। अब उसे 12% से बढ़ाएंगे तो 112% हो जाएगी, तो एक्स का 12% ये हो जाएगा 112 और यहाँ पे 2% घटाया जा रहा है हर को, तो इसका मतलब वाई कितना हो जाएगा 98%, ठीक है 98 हो जाएगा। अब इनका मान जो हो जाता है, भिन्न का मान क्या आ जाता है 6/7, तो इसको बराबर में लिख लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज में भी कराए हैं और आपके एज में भी कराए हैं, बस आपको क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जितनी चीज़ें कट सकती हैं उनको काट दीजिए, 6 से ये कट जाएगा 2 से 3 बार, ये कट जाएगा 56 बार, और ये 7 से कट जाएगा 14 बार, और ये 14 से कट जाएगा 56 4 बार। तो देखिए सारी चीज़ें तो यहाँ पे कटी गई, अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बच गया 4x, नीचे बच गया y, और यहाँ पे 3 और नीचे बच गया 1, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर 3y हो जाएगा, और जब भी ऐसे वैल्यू लिखी हो, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चों को तो पता होगी और बहुत से बच्चों को नहीं पता, वो क्या गलती करते हैं कि ऐसे लिखते हैं एक्स वाई और यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3, ये आंसर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा जो कि गलत होता है। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, देखिए 3 के सामने क्या है 4, तो x और y लिखने के बाद 3 के सामने 4 है, y के सामने 4 है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है 4, और यहाँ इसके x के सामने 3 है, देखिए दोबारा से देखिए x के सामने 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना है, और y के सामने 4 है तो ऐसे लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना था कि इसको अंश और हर को 112% से बढ़ाया गया था या 2% से घटाया गया था, तो x और y हमने मान लिया, इसको 12% से बढ़ाएंगे 112% हो जाएगा, और ये 2% से घटाएंगे ये 98% हो जाएगा। तो इनकी बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जितनी चीज़ें कट सकती हैं उनको काट लीजिए, जब भी काटने की बात आती है तो इस साइड का इस साइड से कट जाता है क्योंकि ये बराबर में होता है, इस साइड का इस साइड से कट जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट में मैं बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ आपका बढ़िया रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। जितने बच्चों ने भी वीडियो को एंड तक देखा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है ना फेसबुक पे, तो आज सौरभ मलिक सर्च करके SAURABH
और MALIK, या तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15 का 15 कितना होगा। देखिए किसी संख्या को हमने मान लिया, वो संख्या होगी एक्स, ठीक है। अब एक्स वो संख्या होगी तो उसका हमने 40% निकालेंगे तो कितना 360 के बराबर होगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे, एक्स का 40% निकाला तो 360 आ गया, ये हमने लिख लिया। मतलब पूरा क्वेश्चन ही दे रखा है, ये हमें इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब जितनी चीज़ें कट सकती है उसको काट दो, 0 से 0 कट सकती है, 4 से, जब भी एक बराबर में होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए, काटने पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी आप सिंपल कर सकते हैं कैलकुलेशन को उतनी सिंपल करने की कोशिश करिएगा, ईजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब 0 से 0 कट गए, 4 से कट जाएगा 36, 9 बार, तो अब क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर सिर्फ आपका एक्स बच गया और इधर आपका 9 बच गया और नीचे 100 बच गया। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 900 भाई, इसकी यहाँ पे हो जाएगी। देखिए कन्फ्यूज नहीं होने का, ये ऐसे बच गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, ऐसे करेंगे तो x और बराबर में 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं पहले इसलिए लिख के रखता हूँ कि आपकी इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये मोटा चलता है पेन, यहाँ पे आपकी समझ में नहीं आता फिर। तो ये 900 का, अब इन्होंने क्या पूछा है, संख्या हमारे पास आ गई 900, अब संख्या आ गई तो अब निकाल सकते हैं इजीली, तो उस संख्या के 15% का 15%, तो इसका मतलब 15% दो बार निकालना है, तो 900 का 15% कितना होगा, 15/100, और दूसरी बार 15/100, तो दो बार 15/15 निकालेंगे, पहली बार तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 से तो 3 बार कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, इसको फिर 5 से काटेंगे 4 बार, उसको काटेंगे 3 बार, तो आपका क्या बच गया, 9 × 3 × 3 9 × 3 × 3, तो 81 आ जाएगा, और नीचे 4 बचा है, 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20.25 आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, नंबर सिस्टम की पहले वाली, तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करके सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए कल जो वीडियो लेकर आऊँ उसमें और ज़्यादा से मेहनत करके लेकर आऊँ और अच्छे से और सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लेकर आऊँ। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, कमेंट करके नहीं बताते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करें, अपने कम से कम 2 दोस्तों को जरूर बताया करें कि मैं आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, उनको भी चैनल पे लेकर आइए, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि दूसरे की भी हेल्प हो सके, दूसरे की हेल्प जरूर किया करें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, करंट अफेयर की, तो सभी की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैथ की अभी तक 60-70 वीडियो अपलोड हो चुकी है, रीजनिंग की 30-40 वीडियो अपलोड हो चुकी है, और करंट अफेयर, जीके, इन सब की मिला के आपकी 40-50 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जरूर सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।